देश में तीसरी लहर के खतरे की आशंका और अटकलों के बीच एक राहत देने वाली खबर भी आई है। नीति आयोग और कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि डेल्टा प्लस को लेकर अब तक ऐसा कोई भी वैज्ञानिक डाटा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वायरस का यह नया रूप ज्यादा तेजी से फैलता है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के शमशान घाट और कब्रिस्तान प्रबंधकों की चिंता बढ़ गई है। प्रबंधकों का कहना है कि हमने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे खराब समय देखा, अब कोई तीसरी लहर ना आए और अगर आती है तो उसके लिए विकल्प तैयार है। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए अलग अलग मोर्चों पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के मंत्रियों से कहा इस तरह काम में जुट जाए कि कोविड-19 की तीसरी लहर ही ना आए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने टीकाकरण अभियान की प्रगति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री को टीकाकरण अभियान पर प्रेजेंटेशन दिया गया था। कोरोना से बचने के लिए जिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया है उनमें हार्ट इन्फ्लेमेशन की समस्या उम्मीद से ज्यादा देखी गई। यूएस मिलिट्री ने खुद एक स्टडी के आधार पर यह दावा किया। स्टडी के मुताबिक वैक्सीनेट होने के बाद 4 दिन के भीतर 25 साल की औसत आयु वाले 23 लोगों ने सीने में दर्द की शिकायत दर्ज कराई। चिंता की बात यह है कि हार्ट इन्फ्लेमेशन के ये मामले अनुमान से ज्यादा हैं। डेल्टा वेरिएंट संक्रमण के नए और घातक संस्करण की आहट दे रहा है, लिहाजा केस और मौत बढ़ने के साथ ही डर का ग्राफ बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि दुनिया में लॉकडाउन रिटर्न की आहट एक बार फिर आने लगी है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का यह रूप अब तक 85 देशों में पैर पसार चुका है।